नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। नक्सलियों के गढ़ बस्तर संभाग को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए छत्तीसगढ़ में जवानों ने अभियान को चला रखा है और लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर भी हो रहा है। इससे नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं और नक्सल मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है और जवान बस्तर संभाग में डेरा जमाए हुए हैं। जवान नक्सलियों के इलाके के अंदर घुसकर उनसे टक्कर ले रहे हैं और बस्तर की मनमोहक और खूबसूरत प्राकृतिक वादियों से लाल आतंक के साए को ख़त्म करने के लिए बस्तर संभाग में फोर्स पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर के ऊपर 4 अक्टूबर को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सुबह से ही मुठभेड़ शुरू हो गई और शाम 7 बजे तक 40 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया। नक्सलियों के शव के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं और इनके पास से AK-47 के साथ SLR समेत कई अत्याधुनिक हथियार शामिल थे। 3 अक्टूबर को जवानों को बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद लगभग 400 फोर्स के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसमें CRPF राज्य पुलिस बल संयुक्त टीम के जवान शामिल थे और इस मुठभेड़ में कई इनामी नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर आई। दूसरी ओर नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है और 16 अप्रैल को कांकेर के अंदर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। ये देश की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ थी और इसमें नक्सली डर के भय से कांप उठे। 30 अप्रैल को 9 घंटे तक चली मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। भुजवाड़ा के अंदर भी टोकामेटा के जंगलों में DRG और STF के जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ और मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 7 पुरुष माओवादी शामिल हैं। प्राथमिक तौर पर मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों में से 2 की शिनाख्त DPSM जोगन्ना और DPSM विनय उर्फ अशोक के रूप में हो चुकी है। 27 मार्च को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के चिपुरभट्टी पुसवाका के पास वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने 1 नक्सली डिप्टी कमांडर सहित 6 नक्सलियों को मार गिराया। घटनास्थल से नक्सलियों के शव सहित हथियार बरामद किए। मारे गए नक्सलियों में से 1 महिला नक्सली शामिल थी और मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र का था। 2 अप्रैल को बीजापुर में ही गोंगापुर थाना क्षेत्र के पुरचोहली और लैंड्राहा के जंगलों में भी जबरदस्त मुठभेड़ में पुलिस ने 3 महिला नक्सली सहित 13 नक्सलियों को मार गिराया। घटनास्थल से पुलिस ने कई अत्याधुनिक हथियारों को बरामद किया और इसमें से 1 नग 7.62 LMG 58 राउंड और 1 नग 303 राइफल 29 राउंड और 12 बोर सिंगल शॉट 1 नग BGL लॉन्चर के साथ तमाम अत्याधुनिक जो हथियार है वो वहां पर मिले। आपको ये भी बताएं कि नक्सली प्रचार प्रसार सामग्री और नक्सली साहित्य और रोज़मर्रा के सामान भी इसमें शामिल थे। फोर्स और नक्सलियों के साथ 6 अप्रैल को मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए थे। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुजारी कांकेर के करीगुटहा के जंगलों में मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए थे। मामला उसूर थाना क्षेत्र का है। इतना ही नहीं, घटनास्थल से 1 LMG और 1 AK-47 सहित कई हथियार भी बरामद हुए। 16 अप्रैल की बात की जाए तो कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के माड़ इलाके में देश की सबसे बड़ी मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। मारे गए सभी नक्सलियों पर कुल 1,78,00,000 रुपए का इनाम घोषित था और वहीं पर नक्सलियों से जब्त AK-47 और ESOS जैसे हथियार पुलिस ने 7,55,000 रुपए का इनामी भी जो है वो रखा था। 30 अप्रैल की बात की जाए तो 9 घंटे तक चली मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को मारा है और भुजवाड़ा के अंदर टेकामेटा के जंगलों में DRG और STF के जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 7 पुलिस नक्सली शामिल हैं। प्राथमिकता तौर पर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों से 2 की शिनाख्त की जा चुकी है और बाकियों की पहचान की जा रही। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पीड़िया के जंगल में 10 मई को सुबह 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए और इस दौरान 2 जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सभी 12 नक्सलियों के शव भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार भी बरामद किए गए। जवानों को गोगापुर थाना क्षेत्र के पीड़िया इलाके में नक्सलियों के टॉप हार्डकोर नक्सली कमांडर लिंगा और पापाराव सहित बड़े लीडरों के जंगल में होने की सूचना मिली। नक्सलियों की इस कमेटी को DKSD और DPCM के साथ ACM कैडर के बड़े नक्सली भी मौजूद थे। सूचना पर पड़ोसी जिले दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर से STF और DRG के साथ CRPF और कोबरा बटालियन के 1200 जवानों ने साझा ऑपरेशन चलाया और उसमें मौके पर 12 नक्सली ढेर हो गए।
छत्तीसगढ़ के अंदर 23 मई को नारायणपुरा के अबुझमुड़ा के अंदर जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों को घात लगाकर मारा गया और जंगल के अंदर बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर बस्तर फाइटर और एसटीएफ के करीब 1000 जवान रवाना हुए। पुलिस जैसे ही जंगल के भीतर घुसी, नक्सलियों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और घंटों तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। मुठभेड़ के बाद मौके से 7 नक्सलियों के शव मिले। आगे पुलिस ने घटनास्थल से नक्सलियों के शव के साथ बड़े पैमाने पर हथियार, दवाइयां और दैनिक सामग्रियों को जब्त किया और इसके बाद 24 मई को नारायणपुर के अंदर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। अबुझमाड़ा के इलाके के अंदर नक्सलियों ने फोर्स को उस वक्त हमला बोल दिया जब पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सलियों के शव लेकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान एनकाउंटर में एक और नक्सली मारा गया और इस तरह कुल 8 नक्सली मारे गए। बहरहाल लगातार नक्सलियों के मूवमेंट को लेकर भारत की सेना और जवान जो है लगातार कार्य करते हुए नजर आ रहे। देखना होगा कि नक्सलियों का सफाया कब तक भारतीय सेना कर पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।